हाँ बिल्कुल, इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे, और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। अब तमाम दोबारा शब्द कब ले रहे सर? दोबारा शब्द उसके बारे में नहीं मैं बता सकता हूँ, उसके बारे में तो गवर्नर साहब बताएंगे। मेरा मानना गठबंधन को लेकर एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को निभाते हुए उन्होंने ऐसा किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर दोबारा आज जो शपथ होगा तो माननीय मनोहर लाल जी ही ये शपथ लेंगे। देखिए ये ऊपर वालों का आपसी जो भी रहा होगा मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता, जिस वजह से गठबंधन टूटा है, क्योंकि ये आपसी ये कहूँगा जो आलाकमान है उनका अपना फैसला है, और इस फैसले को देखते हुए हम उनको स्वीकार करते हैं। पर्यवेक्षक आ रहे हैं तो उनकी कैसी भूमिका? देखिए पर्यवेक्षक आ रहे हैं, और पर्यवेक्षक अगर हमसे पूछेंगे तो हमारा मत तो माननीय मनोहर लाल जी के साथ है, और मेरा मानना है तीसरी बार मनोहर लाल जी अब शपथ लेंगे और चौथी बार विधानसभा चुनाव के बाद शपथ लेंगे, ये गारंटीड है। क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। जी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, और माननीय मनोहर लाल जी ने ये कहा था कि हम 10 की 10 सीट माननीय मोदी साहब की झोली में डालने का काम करेंगे, और ये सत्य की 10 की 10 सीटें हरियाणा में जीतकर हम मोदी साहब की झोली में डालने का काम करेंगे। We'll be right back.